हेलो जी, राम राम। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के जो ट्रेड टेस्ट हैं। सबसे ज़्यादा लड़के कंफ्यूज इसी बात में है कि अब आपके जो ट्रेड टेस्ट हैं वो कब तक हो सकते हैं। कोई कह रहा है जून में होंगे, कोई कह रहा है जुलाई में होंगे, कोई कह रहा है अगस्त में होंगे। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है। आज मैं इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा देखना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके जो ट्रेड टेस्ट के साथ साथ जो बाय बाय होगा उसको भी लेके बहुत सारे डरावने जो यूट्यूब पर बता रहे हैं कि इसका ऐसा होगा, बहुत हार्ड पूछा जाएगा, तो आपको इस बारे में ही बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपके जो फिजिकल हुए थे वो आपके रिटर्न एग्जाम के 4 से 5 महीने का समय लगा था। तो अब आप मान के चलिए आपके अप्रैल में तो अभी फिजिकल ख़त्म हुए हैं। तो कैसे बहुत से जो यूट्यूबर हैं जिनको ड्राइविंग सेंटर खोल रखे हैं, उन्होंने ऐसा डर का माहौल बनाने के लिए ताकि उनके पास बच्चे आ सकें, बोल रहे थे कि अंदर बता रहे हैं, स्टाफ बता रहा है कि 15 मई से फिजिकल होंगे। तो वो सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि उनकी दुकान चल सके। आप खुद सोचें, अपने आप से थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि इतना जल्दी कोई भी चीज़ें नहीं होती, किसी भर्ती में नहीं होती हैं। अभी आपके अप्रैल में तो फिजिकल ही ख़त्म हुए हैं, तो एटलीस्ट आप 2 से 2.5 महीने तो मान के चलें। और अगर दिल्ली पुलिस को बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगी, ऐसा कोई टास्क मिला हुआ कि इस भर्ती को इतने महीनों में कंप्लीट करना है, तो मान के चलते हैं वो फास्ट प्रोसेसिंग भी करेगी। तो 1.5 से 2 महीने तो आपको आराम से मिलेंगे। और दोस्तों, बहुत से जो ड्राइविंग सेंटर वाले हैं वो तो ये चाहते ही हैं कि अभी आप उनके पास ड्राइविंग सीख लो और उसके बाद जब आपकी जो ट्रेड टेस्ट की डेट आ जाएगी 10-15 दिन पहले आपको पता चलेगा, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, वो तो आपको तब भी डराएंगे कि आप एक बार और कर लीजिए ताकि आपका अच्छा हो जाएगा। तो उनको तो डबल डबल बार आपसे पैसा लूटना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो फिजिकल हुए थे वो आपको पता होगा, सब लोगों को देखा होगा आपने कि एक नोटिस, डिपार्टमेंटल नोटिस वायरल हो जाते हैं। तो सब लोगों को जो फिजिकल हुए थे उसके 1-2 महीने पहले ये नोटिस वायरल हो गए थे कि आपके फिजिकल अप्रैल में है। तो ऐसा ही सेम टू सेम जैसे ही आपके जो डिपार्टमेंटल में नोटिस बनते हैं या कार्रवाई आगे होती है तो आपको कहीं ना कहीं से नोटिस मिल ही जाएगा। आराम से आपको 1-1.5 महीने पहले पता चल जाएगा कि आपके ट्रेड टेस्ट कब से हैं। और अगर कोई नोटिस भी नहीं मिलता है तो आप मान के चलिए कि आपके एडमिट कार्ड तो नॉर्मली 10 से 15 दिन पहले रिलीज होंगे। तो आप तब भी आराम से सेंटर, ड्राइविंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए अगर अभी आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको बाद में फिर करना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस तो यही है आपसे कि आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, जैसे डेट डेट का पता चलता है तब ज्वाइन करिएगा। क्योंकि 15-20 दिन आप जो भी होगा ट्रेड टेस्ट के आसपास सीखेंगे तो बेटर रहेगा, वरना आपको फिर से दोबारा से 10-15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। और दोस्तों, बाय बाय की मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों ने कोर्स बेचना चालू कर दिया है कि बाय बाय में उल्टा पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो यार, आप खुद सोचिए कि जो आपका सिलेबस क्या है उसमें क्या क्या दिया है। नॉर्मल सी जो चीज़ें हैं जो आपने एग्जाम के तौर पर पढ़ी थी वही सब कुछ है। ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइंस, मैप वगैरह, टायर प्रेशर, बैटरी, ये सब नॉर्मल चीज़ें। और 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो बाय बाय से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और बढ़िया से आप अपनी ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहें। और साथ ही साथ मैंने देखा है बहुत से जो यूट्यूब पर वीडियो डली हैं कट ऑफ की, सभी लोग वहाँ जाके कमेंट करके पूछते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं इस कैटेगरी में, मेरा क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, जो वीडियो बना रहे हैं या चलो मैं भी बना रहा हूँ, तो मुझे क्या पता है कि मैं कोई SSC का चेयरमैन थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा कि कट ऑफ क्या जाएगी। यार दोस्तों, आप सिर्फ अभी है ना ये मत सोचिए, आप पहले ये सोचिए कि आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है क्या। आपके नंबर बेशक 80 हों 85 हों, अगर आप ट्रेड टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपके नंबर किसी काम के नहीं हैं। तो दोस्तों, आप कोशिश करें पहले कि आप ट्रेड टेस्ट करें। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरा जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो अभी ड्राइविंग सेंटर में हैं, तो उन्होंने बताया है कि उनके सेंटर पे, मैं किसी सेंटर का नाम नहीं लूँगा, उनके सेंटर पे 100-150 बच्चों ने टेस्ट दिया था जिसमें मात्र 15 से 20 लड़कों ने टेस्ट में जो क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं, तो ऐसा ही आपका हाल है ना ट्रेड टेस्ट में होगा, बहुत से लड़के फेल होंगे। तो आप नंबर की अभी भूल जाएं, मैंने आपका ट्रेड टेस्ट, आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लो तो आपकी जो नौकरी है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, समझ लो आपको स्कॉर्पियो मिलेगी चलाने। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। और आने वाली आपकी अपकमिंग वैकेंसी के लिए तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों,
चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बढ़िया ट्रेड टेस्ट की तैयारी करें। ओके दोस्तों, बाय।